नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। आईसीसी ने अंपायर अलीम डार को भारत अफ्रीका श्रृंखला से हटाया। मुंबई में शिवसेना के बवाल के बाद आईसीसी ने पाकिस्तान के अंपायर अलीम डार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही एक दिवसीय श्रृंखला के बाकी मैचों से हटा दिया है। आईसीसी एलीट पैनल के अंपायर डार ने पहले 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग की थी। उन्हें 22 अक्टूबर को चेन्नई में और 25 अक्टूबर को मुंबई में होने वाले वनडे मैचों में भी अंपायरिंग करनी थी। इसी बीच भारत ने कॉमेंट्री कर रहे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम और शोएब अख्तर को भी वापस जाने को कह दिया है। कर्नाटक और गुजरात ने मैगी नूडल्स से हटाया प्रतिबंध। मैगी नूडल्स के बाजार में लौटने का रास्ता साफ करते हुए कर्नाटक और गुजरात ने नेस्ले इंडिया के लोकप्रिय इंस्टेंट फूड ब्रांड से प्रतिबंध हटा दिया है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 3 प्रयोगशालाओं ने मैगी के नमूनों के परीक्षणों के बाद इसे क्लीन चिट दे दी है, जिसके बाद इन राज्यों ने इस पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। मैगी नूडल्स इंडिया ने घोषणा की है कि वो इस साल दिसंबर में नए सिरे से भारतीय बाजार में कदम रखेगी। जेपी डुमिनी भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। दक्षिण अफ्रीका के सीनियर बल्लेबाज जेपी डुमिनी चोटिल होने के कारण भारत के खिलाफ बाकी बचे 2 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में नहीं खेल पाएंगे। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर किए गए ट्वीट के अनुसार तीसरे वनडे के दौरान डुमिनी के दाएं हाथ में चोट लग गई थी। उन्हें ठीक होने में 2-3 सप्ताह का समय लगेगा। डीन एल्गर को डुमिनी की जगह वनडे टीम में शामिल किया गया है।